गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लेसन नंबर 3 हमने इसकी पूरी डिटेल में मैंने इसकी ट्रांसलेशन आपको बता दी है, इसकी हिंदी बता दी थी लेसन की कि इस लेसन में क्या है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर आज हमने स्टार्ट करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड डैडी वांट टू बी ए नाइट वॉचमैन। डैडी पहरेदार क्यों बनना चाहता है? आंसर है डैडी वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन बिकॉज व्हाइल द होल टाउन स्लेप्ट द नाइट वॉचमैन कुड वॉक अबाउट एंड मेक नॉइसेस। जब सारा शहर सो रहा होता है तो जो नाइट वॉचमैन होता है वो कहीं भी वो जा सकता है, घूम सकता है और आवाज़ें कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये हमारा आज कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें व्हाई डिड ही वांट टू बी एन आइसक्रीम मैन। अब वो आइसक्रीम मैन क्यों बनना चाहता है? तो इसका आंसर है ही वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन बिकॉज ही कुड हैव ए कार्ट एंड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वांटेड। कि उसके पास जो है आइसक्रीम का एक चकड़ा होगा जिसको ठेला कहते हैं, वो ठेला होगा और वो जितनी चाहे वो आइसक्रीम खा सकता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर। अब व्हाट वाज इट दैट हाउ ही सा एन इन एन ऑटो वर्कशॉप। तो ऑटो वर्कशॉप में उसने क्या देखा था? तो ही सा ए मैन वियरिंग ब्लू यूनिफॉर्म। इसका आंसर है उसने एक आदमी देखा जिसने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी इन एन ऑटो वर्कशॉप प्लेइंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ रियल कार्स नॉट टॉयज। ही वॉज क्रॉलिंग अंडर द कार प्लेइंग द स्ट्रेंज गेम। अब उसने ब्लू यूनिफॉर्म में एक आदमी को ऑटो वर्कशॉप में देखा जो कि रियल कार्स के साथ खेल रहा था। वो खिलौने वाली कार नहीं थी बल्कि असल में कार थी और वो उस कार के नीचे जाकर अजीब तरह की गेम कर रहा था। क्रॉलिंग मैंने घुटनों के बल वो जाकर कार के नीचे अजीब तरह की खेल खेल रहा था। व्हाट वाज इट, फोर्थ क्वेश्चन है अब, व्हाट वाज इट दैट डैडी लाइक अबाउट एन कार मैकेनिक। अब कार मैकेनिक में उसको क्या पसंद आया था? तो इसमें है ही वांटेड टू बी ए कार मैकेनिक। वो कार मैकेनिक बनना चाहता है। ही वुड प्ले ऑल द टाइम विद कार्स। देयर कुड बी नथिंग इन द वर्ल्ड मोर इंटरेस्टिंग। वो हर समय कार के साथ खेलना चाहता है ताकि और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस संसार में और कुछ भी नहीं हो सकता। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड डैडी से ही वुड बोथ बी ए कार मैकेनिक एंड एन आइसक्रीम मैन। अब ये डैडी कैसे कहता है कि वो एक कार मैकेनिक भी बन जाए और आइसक्रीम मैन भी बन जाए? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट आल्सो एंड डिसाइडेड टू बिकम ए मैकेनिक आल्सो। अब वो आइसक्रीम वाला जो ठेला होता है उसको भी नहीं छोड़ना चाहता और वो एक मैकेनिक भी बनना चाहता है। सो इसलिए ही वुड बोथ बी ए कार मैकेनिक एंड आइसक्रीम मैन। इसलिए वो दोनों चीज़ें कार मैकेनिक भी बनना चाहता है और आइसक्रीम मैन भी बनना चाहता है। सिक्स क्वेश्चन वाई डिड डैडी वॉन्ट टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट। तो वो अपने पैर के साथ अपने कान के पीछे खुजलाना क्यों चाहता है? बिकॉज आंसर है बिकॉज ही वांटेड टू बी ए डॉग सो ही वांटेड टू स्क्रैच बिहाइंड हिज कार विद हिज फुट। क्योंकि वे एक डॉगी बनना चाहता है, कुत्ता बनना चाहता है, इसलिए वो अपने पैर के साथ अपने कान के पीछे खुजलाना चाहता है। सेवन क्वेश्चन व्हाई वाज इट दैट मेड डैडी फील अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। किस चीज़ को कौन सी चीज़ वो थी जिससे डैडी ने अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की? तो व्हेन सेज सेड टू बी ए मैन फर्स्ट। तब जब सेज ने कहा, साधु ने कहा कि पहले आदमी बनो, डैडी फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। तो उसको अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हुई। तो एट क्वेश्चन व्हेन डिड डैडी स्टॉप थिंकिंग व्हाट ही वांटेड टू बी। तो डैडी ने ये सोचना क्यों बंद कब बंद कर दिया जब कि वो क्या बनना चाहता है?
When he realized, जब उसने ये महसूस किया, he was yet too small to know what he wanted to be, कि अभी वो इतना छोटा है कि अभी वो ये नहीं जानता कि उसको क्या बनना चाहिए. Then he stopped thinking what he wanted to be, तब उसने ये सोचना बंद कर दिया कि उसको क्या बनना चाहिए. 9th question, what does daddy think now to be the most important thing? अब डैडी क्या सोचता है कि इसमें कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू बी, कि तुम जो भी बनना चाहते हो, यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यू मस्ट बी ए गुड मैन. सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना. तो ये हमारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं. तो बेटा थैंक यू, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न भी करना है और कॉपी पे भी लिखना है. थैंक यू बेटा. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा आज हमने लेसन नंबर 3 हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी के हमने ऑलरेडी इसके 9 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं. तो अब इसकी आज बैक एक्सरसाइज हमने करनी है. तो बैक एक्सरसाइज में सेकंड जो है नंबर Who says these words and to whom in the story? किसने शब्द किसको कहे. तो फर्स्ट है इसमें Who's that man? ये वो आदमी कौन है. डैडी किसने कहा था किसको. डैडी ask one of the workers. यहाँ पर आपने लिखना है डैडी ask one of the worker. डैडी ने एक वर्कर को पूछा था. नेक्स्ट What are you doing? तुम क्या कर रहे हो. Says ask डैडी. डैडी सेज ने जो साधु था उसने डैडी से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो. आई एम ट्राइंग टू बी ए डॉग. मैं एक डॉग बनने की कोशिश कर रहा हूँ. किसने कहा था. डैडी सेड टू द सेज. डैडी ने सेज को यानी कि साधु को कहा था. फोर्थ क्वेश्चन थिंक अबाउट दैट यूर सेल्फ. ये किसने कहा था. सेज सेड टू द डैडी. साधु ने डैडी को कहा था. फिफ्थ क्वेश्चन This is the most important thing, whatever you want to be. अब सबसे important चीज ये है कि तुम क्या बनना चाहते हो. किसने कहा था. Daddy said to the author. Daddy ने author को कहा था. ये पांचों के पांचों हमारे आज complete होते हैं. Next third part है हमारा complete each sentence with suitable words from the box. अब नीचे box दिया गया है बेटा ये वाला. तो ऊपर हमारे ये fill-ups दिए गए हैं. अब इन fill-ups में से हमने इसके साथ हमने मैच करना है. फर्स्ट है आई सेल आइसक्रीम फॉर. इसमें क्या आएगा. इसमें आएगा सम टाइम इन द मॉर्निंग. इसमें थर्ड जो है ये वाला इसके साथ हमने यहां पर लिखना है. सेकंड एवरीवन हैड टू एग्री. इसमें क्या आएगा. सेकंड विद लिटिल डैडी. विद लिटिल डैडी सेकंड वाला आना. थर्ड ही वाज क्वाइट सर्टन. ही थर्ड में क्या आएगा. थर्ड में आएगा वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन. फोर्थ ए मैन डज नॉट हैव टू नो. इसमें फोर्थ में क्या आएगा. फोर्थ में आएगा हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट. तो इसमें फोर्थ में ये वाला आएगा. फिफ्थ है द सेज हैड नॉट एक्सप्लेन टू हिम. तो फिफ्थ में आएगा हमारा व्हाट ए मैन इज लाइक. फिफ्थ में क्या आएगा व्हाट ए मैन. उसने मुझे ये नहीं बताया था साधु ने कि किस तरह का आदमी बनना चाहिए. तो ये फिफ्थ में ऑप्शन ये वाला आएगा. तो ये हमारे कंप्लीट द सूटेबल वर्ड्स भी कंप्लीट होते हैं थर्ड पार्ट. अब हमने करना है इसमें वोकैबुलरी वाला पार्ट में आ जाओ. मैच द वर्ड्स. सबसे पहला पायलट. पायलट किसको कहते हैं. वन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट. इसके साथ हमने इसको कॉलम को मैच करना है. एक्टर. एक्टर कौन होता है. सेकंड. सेकंड वन हु एक्ट्स इन फिल्म और ऑन ए स्टेज. जो एक फिल्म में और एक स्टेज में एक्टिंग करता है अभिनय करता है. क्लर्क. थर्ड है हमारा क्लर्क. क्लर्क किसको कहते हैं. क्लर्क बेटा वन हु कीप्स रिकॉर्ड इन एन ऑफिस. ऑफिस का रिकॉर्ड जो रखता है उसको क्या कहते हैं. क्लर्क. फोर्थ है सेलर. सेलर किसको कहते हैं. वन हु इज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑन ए शिप. शिप जो जहाज में
क्रू का एक उसका मेंबर होता है, उसको क्या कहते हैं, नाविक सेलर कहते हैं उसको। फिफ्थ हमारा स्ट्रेंजर, अजनबी, वन हुम यू डू नॉट नो, जिसको तुम नहीं जानते उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर। सिक्स्थ है शेफर्ड, शेफर्ड किसको कहते हैं, वन हु लुक्स आफ्टर शीप, जो भेड़ों की देखभाल करता है। सेवन मैकेनिक, मैकेनिक किसको कहते हैं, वन हु रिपेयर्स मशीन, जो मशीनों की रिपेयर करता है उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक। वॉचमैन, वन हु कीप्स ए वॉच, जो रखवाली करता है उसको क्या कहते हैं, वॉचमैन। तो ये हमारे मैच का कॉलम बिल्कुल हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट, इसमें यूज एनी ऑफ द प्रीफिक्स इन, अन और डिस, ये तीन चीजें लगाकर हमने इनको क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। जैसे रियल, रियल का क्या बनेगा बेटा, हम क्या लगाएंगे इसमें, अनरियल, ठीक है। इजी, अनइजी, एक्टिव, इनएक्टिव, रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट, ये वाला डिस आ गया, ओबे, डिसओबे, सर्टन, अनसर्टन, ह्यूमन, इनह्यूमन, डू, अनडू, ऑनर, डिसऑनर, करेक्ट, इनकरेक्ट, डिफरेंट, इनडिफरेंट, पैक, अनपैक। ये हमारे 12 के 12 कंप्लीट हो गए, ये तीनों वर्ड्स लगा के हमने इनको कंप्लीट करना था। तो आगे थर्ड पार्ट में है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले आना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का क्या बनेगा, दिस बुक हैज मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो इस बुक में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसके बाद है रियल, आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद योर वर्क, तो मैं तुम्हारे वर्क से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। शेम, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर। स्ट्रेंज, आई सा टू स्ट्रेंजर स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। एक्सप्लेन, यू विल हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एब्सेंस। डिफरेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड एन एनिमल। इसमें ये मैंने सारे फिल कर दिए, तो अब आपने इसको कॉपी पे अच्छी तरह से उतार के इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू बेटा।